हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लाया हूँ एक और अमेजिंग सा वीडियो। आज की वीडियो हम करने के वाले मैं आपको बता देता हूँ। आज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर का कांच को हम पहले तोड़ देंगे, उसके बाद इसे हम होल्डर में लगा कर देखेंगे, उसके बाद हम इसे ऑन करके देखेंगे ये वर्क करता है या नहीं, और अगर वर्क करता है तो कितनी देर के लिए वर्क करता है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी हुई घंटी को भी बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर के ग्लास को तोड़ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक बल्ब को इसके अंदर से निकाल लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं इसके ऊपर के इस कांच को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे तोड़ते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है वो ना टूटे। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये डेंजरस हो सकता है, इसके कांच आँख में टूट के जा सकते हैं, तो आप इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो फ्रेंड्स, ये टूट चुका है। और इसके अंदर के फिलामेंट को भी कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इसे रखता हूँ साइड में। इसी तरह से मुझे साफ बड़ी सावधानी से इन दोनों को भी तोड़ लेना होगा। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने बल्ब को एक होल्डर से कनेक्ट कर दिया है, होल्डर में वायर लगा कर उससे स्विच से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता ये जलेगा या नहीं, और अगर जलेगा तो कितनी देर जलेगा। और मैं आपसे फिर से एक बार और कहूँगा, आप इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। चलिए फटाफट से अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। मैंने स्विच से थोड़ा दूर ही कनेक्ट करा है इसे, बाय चांस अगर कुछ स्पार्क होता है तो मैं फटा स्विच बंद कर सकूं। तो चलिए इसे स्टार्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने, ये थोड़ी सी देर जला, एक आग सी निकली कुछ इसमें, और इसके बाद ये बंद हो गया। ये यहां से निकल चुका है इसका फिलामेंट। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। मुझे लगा था ये बहुत देर तक चलेगा, मगर ये थोड़ा सा एक आग जैसी निकली और बंद हो गया। फ्रेंड्स, थोड़ी सी माफी चाहूंगा, आज थोड़ी आवाज़ में खराबी है सर्दी होने के कारण। तो ये निकल चुका है। वैसे ये यहाँ से इसका फ्यूज़ जल चुका है तो ये निकल गया है। ऐसा तो फिलामेंट का, वैसे तो इस फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चलिए इसी तरह से मेरे पास और है, हम उसे और चला कर देख लेते हैं।
फ्रंट से मैंने दूसरा वाला भी लगा लिया है, अब मैं कोशिश करूंगा इसे थोड़ा और ऊपर से कैप्चर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स स्विच को ऑन कर देखते हैं एक बार फिर से। देखने में बहुत ही अमेजिंग सा था ये, इस बार वापस वहाँ से निकल चुका है। बेसिकली ये जला नहीं है, बस एक कॉर्नर से निकल चुका है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो आज का। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और मेहनत अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप अपने आइडियाज़ और सजेशन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी हुई घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I'm not afraid of the dark.